नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बसपा से जुड़ी, जहां इंडी गठबंधन पर करारा तंज कसा है बसपा ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीएसपी नेता मलूक नागर ने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो बीजेपी ने इसे घमंडिया गठबंधन का नाम बिल्कुल ठीक दिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त की, जहां बीएसपी ने इंडी गठबंधन पर तंज कसा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कुछ कहा है कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि उसमें हम हैं नहीं, लेकिन उसमें जितने भी प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर ये सारी की सारी सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पर यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है। और इंडी गठबंधन पर सीट शेयरिंग पर मची खींचतान के बीच जेडीयू ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे काबिल नेता बता दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री पद के लिए वो तमाम गुण हैं जो होने चाहिए। जेडीयू ने एक बार फिर से राग अलापा कि पीएम बनाना चाहिए नीतीश कुमार को। पति का हवाला दिया हुए, उनका किस प्रिटेक्स में कहें, इसका तो उत्तर कांग्रेस पार्टी और उनके स्पोक्स पर्सन देंगे, उनके राष्ट्रीय प्रिटेक्स में इस बात को कहें। लेकिन हमारे नेता न प्रधानमंत्री के रेस में है न कन्वेनर के रेस में, और हम सभी मीडिया के बंधुओं से ये आग्रह करेंगे कि बार बार नीतीश कुमार को कन्वेनर और प्रधानमंत्री के रेस में लाकर उनके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास नहीं कीजिए। जो आदमी आईएएस की परीक्षा देना ही नहीं चाहता है, उसको बार बार कब पूछ रहे हैं कि आईएएस कब बनिएगा, आईएएस कब बनिएगा। मटेरियल क्यों है? मटेरियल है इसलिए कि इन्होंने भारत सरकार में कृषि, रेलवे, सरफेस ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालयों का इन्होंने निर्वहन किया। कांग्रेस पार्टी डिसाइड की हु इज गोइंग टू बी द फेस, क्या होगा नहीं होगा, तो बैठते हैं लोग, उसमें तैयार होता है ना। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीट बंटवारे पर एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने, उन्होंने सीट शेयरिंग के लिए नया फॉर्मूला पेश किया है। सीट शेयरिंग के सवाल पर सुप्रिया ने कहा कि हर पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है और ऐसे में बातचीत के जरिए यह तय किया जाए कि कौन कहां बेहतर नतीजे देगा। उन्होंने साथ ही कहा कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए सर्वे कराया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि किसकी ताकत कहां ज्यादा है और इसी आधार पर सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला तय होगा, ये फैसला लिया जाएगा। सुप्रिया ने कहा कि गठबंधन इसी तरह काम करता है और सुप्रिया सुले के ही बयान पर बीएसपी नेता की ओर से निशाना साधा गया है कि सभी पार्टियां सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ईडी इज समथिंग व्हिच इज शुड बी इंडिपेंडेंटली एंड गवर्नमेंट रन, बट अनफॉर्चुनेटली टुडे द वे इनकम टैक्स सीबीआई इज यूज्ड अगेंस्ट ओपोनेंट्स। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान जारी है। सुप्रिया सुले जैसा ही बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ मांझी ने भी दिया है सीट शेयरिंग के सवाल पर। उन्होंने कहा कि हर पार्टी अपने आप को मजबूत करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा देता है। जेएमएमबी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी कर रही है, किसी भी दल में कोई मतभेद नहीं है, हर पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है। पार्टी अपने आप को मजबूत ही करती है, हर पार्टी में आप इस तरह का प्रयास, और जब जब चुनाव नजदीक आता है तो सब लोग पूरी ताकत लगा देते हैं। हमारी पार्टी भी पूरी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है। आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सहित बाकी तमाम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, तमाम मंत्री, विधायक, सांसद और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं पार्टी के, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और वहीं सीट शेयरिंग पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। उन्होंने राहुल की यात्रा से पहले इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाने की उम्मीद जताई। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके।
और इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मची खींचतान को लेकर बीजेपी ने विपक्षी दलों पर तंज कसा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह और तरुण चुग ने अपने अपने अंदाज में इंडी गठबंधन पर तंज कसा है, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल एलजेपी रामविलास गुट के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन दलों पर तंज कसने में वो पीछे नहीं रहे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 2 महीने इनकी नौटंकी चलेगी और देश देखेगा, जबकि गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को गठबंधन पर भरोसा नहीं है। वहीं तरुण चुग ने इंडी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये मुंगेरी लाल का सपना है जो पूरा होने वाला नहीं है। और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडी गठबंधन में छिड़े सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले आरजेडी को बुलाया है और इस वक्त मुकुल वासनिक के आवास पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक बैठक चल रही है और इस बैठक में मुकुल वासनिक के साथ अशोक गहलोत और सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बताएं, इंडी गठबंधन में सियासी घमासान के बीच दिल्ली में आज से 3 दिनों तक कांग्रेस की नेशनल अलायंस की कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। और सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का किन दलों के साथ पेच फंसा हुआ है जिसको वो अपनी इस नेशनल अलायंस कमेटी में सुलझाने की कोशिश करेगी, आइए आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं। कांग्रेस के सामने इस वक्त 4 मजबूत क्षेत्रीय पार्टी हैं, पश्चिम बंगाल की टीएमसी और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। साइकिल पर कौन कितनी सीटें लेकर बैठेगा ये तय करना है और इसके बाद जेडीयू बिहार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में, ये 4 ऐसी पार्टियां हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है, जिन पर अब सहमति बनाई जानी है कि सीट शेयरिंग को कैसे होगी, संयोजक किसे बनाया जाएगा और लीड कौन करेगा।